Hi, good morning students. Welcome back to all of you. Friends, today we are going to start a new chapter of class 9th. That is chapter number 3 of history, Nazism and the Rise of Hitler. दोस्तों ये जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें जर्मनी की बहुत सारी हिस्ट्री दी हुई है और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड जो है कि कंटेक्स्ट में बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ये चैप्टर जो है इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी की क्या फाइनेंशियल कंडीशन हुई, कैसे जर्मनी डिक्लाइन हो गया, उसके बाद वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी को अलाइड पावर्स ने वार रेपरेशंस के लिए मजबूर किया और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को इम्पोज कर दिया जर्मनी के ऊपर, जिसमें बहुत सारी उनकी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया गया, जर्मनी की आर्मी को डिसमेंटल कर दिया गया, डिमिलिटराइजेशन कर दिया जर्मनी का, और जर्मनी के बहुत सारे जो रिसोर्स रिच एरिया थे जैसे राइनलैंड है, रूर है, वो सारा अलाइड पावर्स ने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की गई वर्ल्ड वार 1 के बाद, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की गई जर्मनी के अंदर वीमर नाम के एक जगह पर, वो गवर्नमेंट भी जर्मनी को ज्यादा फाइनेंशियल डिप्रेशन से निकाल नहीं पाई, और चूंकि ये जो नई गवर्नमेंट बनाई गई थी ये भी इंस्टेबल थी क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट थी और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में आकर के इस गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण वो लोग कोई भी कंसेंट पर जो है कॉमन आइडियोलॉजी उनकी जो है मैच नहीं करवाई। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, पूरे जर्मनी में बहुत ही जो है डिसकंटेंटमेंट का माहौल था और लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। सो वीमर रिपब्लिक भी धीरे धीरे अनपॉपुलर हो जाएगी, और लोगों को अब लगा, उनको एक नए ऐसे किसी लीडर की तलाश थी या किसी एक नई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत थी जो उनकी जर्मनी को इस तरह के इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। इसी दौरान नाजी पार्टी और हिटलर, इन दोनों का उदय हुआ। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिर कि कैसे नाजी पार्टी ने जर्मनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से प्रोपेगेंडाज उन्होंने यूज किए, कौन कौन सी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, कौन से नए एनेबलिंग एक्ट वगैरह क्या थे, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो शुरू होती है वर्ल्ड वार 1 के बाद। देखिए आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था उसमें भी जर्मनी जो था वही रेस्पॉन्सिबल था वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट होने का। तो जब वर्ल्ड वार 1 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ और 4 साल तक, बहुत लंबे समय तक चलने वाला ये जो महायुद्ध था, विश्व युद्ध था, इसने दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू फैक्शंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। ऑन वन साइड ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, रशिया, दीज कंट्रीज वर देयर एंड दीज कंट्रीज वर कॉल्ड अलाइड पावर्स, एंड ऑन द अदर साइड जर्मनी एंड देयर अलाइड्स, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। सो द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू फैक्शंस। These two political factions were fighting during World War I. So after this 4-year war, you know, all the countries were declined, economically they were declined. So the same impact was on Germany as well. After long war, their treasury was emptied and they were defeated. World War I ended on November 1918. And the same month, in November 1918, a new government, socialistic democratic government, Weimar Republic, at a place in Germany. Germany, Weimar, Weimar is the name of a place. It is in Germany. तो जर्मनी में वीमर नामक एक जगह पर एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई और इस गवर्नमेंट का नाम रखा गया वीमर रिपब्लिक। ये वीमर रिपब्लिक जो है वर्ल्ड वार 1 के बाद में, इसको अलाइड पावर्स ने फ्रांस के अंदर वर्सेल्स का जो महल है वहां पर इनको इनवाइट किया और वहां एक संधि पर समझौते हुए।
अलाइड पावर जीत चुके थे और ये सेंट्रल पावर हार चुके थे। तो हारे हुए देशों के ऊपर में जर्मनी, जिसका मेन हेड था, जर्मनी के ऊपर बहुत सारी शर्तें जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, इनह्यूमन टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज करती थी जर्मनी के ऊपर। वो क्या क्या शर्तें थी देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कब हुई, पहला क्वेश्चन तो यहां आता है, वन मार्क का क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हैपेंड। सो इट वाज हैपेंड ऑन 28 जून 1919। सो ड्यूरिंग दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स some terms and conditions were imposed on Germany and Weimar Republic was forced to sign this treaty. Okay, so what were these inhuman terms and conditions? I have written it here. Let us discuss one by one. After World War One, during this Treaty of Versailles, Germany had to accept these terms and conditions. Number one, Germany lost its overseas colonies which were under the control of Germany before World War One. Now they were captured by Allied powers. So Germany lost its overseas colonies. Second, 30% of its territories, Germany ke seema jo pehle Germany ke under mein jo territory control tha, territorial control, uska bhi 13% se jyada bhag Allied powers ne capture kar liya. 75% of its iron and 26% of its coal mines. Germany ka jo iron aur coal mines thi, वो भी बहुत ज्यादा पार्ट, यू कैन सी 75% लोहे की खाने माइंस और 26% कोयले की जो माइंस थी वो भी अलाइड पावर्स ने जर्मनी से छीन ली। जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज्ड, जर्मनी की जो आर्मी थी, नाउ द आर्मी वॉज डिस्बैंडेड एंड नाउ वीमर रिपब्लिक वॉज फोर्स्ड टू साइन ऑन द ट्रीटी दैट दे विल नॉट मेंटेन देयर स्टैंडिंग आर्मी। ओके, सो जर्मनी वॉज demilitarized, जर्मनी दोबारा अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ अलाइड पावर्स, तो डिमिलिटराइजेशन कर दिया, उसकी मिलिट्री को डिसबैंड कर दिया गया। जर्मनी वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डैमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के लिए जर्मनी को ही रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया और जो भी लॉसेज वर्ल्ड वॉर वन में हुए थे उस सब के डैमेज को पे करने का जो वार रेपरेशंस जो सेट किए गए, वो वार रेपरेशंस भी जर्मनी को पे करने के लिए फोर्स किया गया। तो कितने वार रेपरेशन थे, इट वाज जर्मनी वाज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर वार गिल्ट एंड वाज फोर्स्ड टू पे वार रेपरेशंस अमाउंटिंग टू रुपीज 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन पाउंड जो थे वो पैसा भी जर्मनी को देना पड़ेगा, जो कि लॉस जो है, डैमेज प्रॉपर्टी लॉस जो काउंट किया गया था अलाइड पावर्स के द्वारा। जर्मनी का जो रिसोर्स रिच एरिया है, वहां पर जो रिवर है राइन, वहां पर एक रिवर है, तो राइन रिवर के आसपास का जो एरिया है वो एक रिसोर्स रिच एरिया है जर्मनी का। तो राइनलैंड और रूर का जो एरिया है वो भी अलाइड पावर्स ने कैप्चर कर लिया। तो आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकली जर्मनी कोलैप्स कर चुका है, उसके सारे रिसोर्सेस आर कैप्चर्ड बाय द अलाइड पावर्स, ओवरसीज टेरिटरीज कैप्चर्ड and they have to pay 6 billion pound as the war reparation. ये सारे हालात जर्मनी अभी जी रहा था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जिस समय वीमर रिपब्लिक को फॉर्म किया गया। और वीमर रिपब्लिक ने क्योंकि इस ट्रीटी पे साइन किए थे, they were the representatives who were sent to Treaty of Versailles, that's why the people of Germany were not happy with Weimar Republic because they held Weimar Republic responsible for this inhuman treaty. तो जर्मनी के लोगों ने, वीमर रिपब्लिक ने चूंकि इस ट्रीटी पे साइन किए थे और इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था, इसलिए जर्मनी के लोगों ने वीमर रिपब्लिक गवर्नमेंट को ही रेस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि तुम्हारे कारण ये सब बातें हमारे ऊपर इंपोज हो गई है, जर्मनी की यह हालत हो गई है। That's why the Weimar Republic was sometimes mockingly मतलब चिढ़ाने के लिए, the leaders of Weimar Republic were mockingly called as November criminals. And why they were called November criminals? Because as I told you, Weimar Republic government was formed in November, in the month of November 1918. And they were held responsible for all these kind of inhuman treaty which was signed by them. That's why they were called November criminals. Now, one another thing. Sometimes the question is asked, ki Weimar Republic jo thi wo unpopular kyun ho gayi ya instable kyun thi? Why the Weimar Republic was unstable and unpopular? तो इसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजन तो ये है
इट वॉज अनस्टेबल बिकॉज इट वॉज अ कोएलिशन गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू, वीमर रिपब्लिक कोई भी एक सिंगल पार्टी फॉर्म नहीं कर पाया. वीमर रिपब्लिक जो है कोएलिशन गवर्नमेंट थी, यानी बहुत सारी पार्टीज ने मिल करके इस गवर्नमेंट को फॉर्म किया था टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि बहुत ही कम समय था. तो ये जो प्रोपोर्शनेट जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण वो कोई भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते थे, और दूसरा किसी भी एक रिजल्ट पर एक नतीजे पहुंचने में उनको बहुत समय लगता था, और आपसी मतभेद होने के कारण कोई भी एक जो है जेन्युइन सा जो फाइनल डिसीजन है वो अल्टीमेट नहीं ले पाते थे. तो इसलिए ये अनस्टेबल हो गए. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक और भी थी, आर्टिकल 48. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वीमर रिपब्लिक को बैकसेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. ये क्या था आर्टिकल 48? देखिए, वहां के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, जर्मनी के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने एक आर्टिकल 48 करके एक नया कानून बना दिया, एक नया जो है ऑर्डिनेंस पास कर दिया. इसका मतलब क्या था आर्टिकल 48 का? इसका मतलब था कि अब राष्ट्रपति के हाथ में गवर्नमेंट की सारी पावर्स आ गई. नाउ गवर्नमेंट हैड ऑल द पावर्स इट इज हैड, और वो क्या कर सकता था आर्टिकल 48 के अंडर, वो क्या कर सकता था? ही कैन गिव इट, गिव द पावर टू द प्रेसिडेंट टू इंपोज इमरजेंसी एनी टाइम एनी प्लेस ऑफ द जर्मनी. जर्मनी के किसी भी एरिया में कभी भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता था अपनी मर्जी से, विदाउट एनी डिस्कशन विद द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के पास तो पावर बची नहीं, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली गई. प्रेसिडेंट जब चाहेगा किसी भी प्रोविंस में जाकर के इमरजेंसी इंपोज कर देगा, और वहां की गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लेगा. तो आर्टिकल 48 गेव पावर टू द प्रेसिडेंट टू इंपोज इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द जर्मनी. सेकंड थिंग, ही कुड सस्पेंड सिविक राइट एज वेल. देखिए, हमारे देश में भी हम लोगों को ना फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं. हमें पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, हमें 6 अधिकार दिए गए ना. और अगर हमारे किसी भी अधिकार को एक्सप्लोइटेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं? रेमेडीज मांग सकते हैं, यानी कि हम उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं. लेकिन जर्मनी का जो ये आर्टिकल 48 जो था, इसने राष्ट्रपति को ऐसी पावर्स दे दी जिससे वो लोगों के सिविल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता था, यानी बोलने के अधिकार को भी छीन सकता था, लिखने के अधिकार को भी छीन सकता था. तो इस तरह से राष्ट्रपति बहुत पावरफुल हो गए. एंड रूल बाय डिक्री. रूल बाय डिक्री मींस जो राष्ट्रपति चाहेंगे उस हिसाब से कानून को इंपोज किया जा सकता था. तो गवर्नमेंट का तो रोल ही खत्म हो गया. तो इससे क्या हुआ? इट डिक्लाइन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ऐसी सिचुएशन हो गई. इसलिए दिस गवर्नमेंट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड फ्रेजाइल गवर्नमेंट. तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, Why the Weimar Republic is sometimes termed as fragile government? So this is why the government is termed as fragile. Fragile क्या होती है? नाजुक, जो कभी भी गिर सकती है, कभी भी टूट सकती है, इसके पास कोई पावर नहीं है. ठीक है, तो फिर ये फ्रेजाइल इसीलिए थी क्योंकि आर्टिकल 48 इश्यू होने से उनके हाथ की सारी पावर जो है गवर्नमेंट के प्रेजिडेंट के पास चलेगी. दूसरा, वो खुद कुछ डिसीजन ले नहीं पाते थे, अनस्टेबल थे कोएलिशन गवर्नमेंट होने का, तो इसलिए इसको फ्रेजाइल गवर्नमेंट बोलते हैं. अब देखिए बेटा, आज हमने ये जो कवर किया है ये हमारे चैप्टर की शुरुआत है. इसमें हमने 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें कवर की. नंबर 1, वर्ल्ड वार 1 कब हुआ? वर्ल्ड वार 1 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक हुआ. ये किसके बीच में हुआ? तो एक तरफ तो था अलाइड पावर्स और एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स. तो स्टूडेंट्स, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वार 1 में और वर्ल्ड वार 2 में जो वर्ल्ड दो फैक्शंस में डिवाइड हो गया था, तो उन कंट्रीज के नाम कई बार मैप में लोकेट करने के लिए पूछता है, और कई बार वैसे भी वन मार्कर क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. तो मैंने दोनों यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिख दिए ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि अलाइड पावर फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे कौन थे और सेंट्रल पावर. देखिए, वर्ल्ड वार 1 जब हुआ था तो वर्ल्ड दो फैक्शंस में डिवाइड हो गया. एक तरफ थे अलाइड पावर्स, दूसरी जो पार्टी थी उसके बोलते थे सेंट्रल पावर. ध्यान देने वाली बात है, वर्ल्ड वार 1 में एक तरफ अलाइड पावर्स थे, दूसरी तरफ कौन थे? सेंट्रल पावर्स. जबकि वर्ल्ड वार 2 में सेंट्रल पावर का नाम चेंज हो गया है. अलाइड पावर्स तो दोनों में सेम है, ये तो कंट्री पहले भी यही थी और अब भी यही है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आया, चेंजेस कहां पे हुए? वर्ल्ड वार 1 में सेंट्रल पावर्स थे ये कंट्री, जबकि वर्ल्ड वार 2 में ये कंट्री बदल गए हैं. जर्मनी दोनों में सेम है,
जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों में सेम है, बट ऑटोमन एम्पायर यहां पर है वर्ल्ड वॉर वन में, जबकि ऑटोमन एम्पायर यहां पर नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर जो टर्की का जो एम्पायर था मुस्लिम एम्पायर, वो डिक्लाइन हो गया था, खत्म कर दिया गया था, तो वो अब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसलिए दूसरा, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरिया है, हंगरी, ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे दोनों एक साथ एक ही किंगडम के अंदर थे, जबकि यहां पे खाली ऑस्ट्रिया है, हंगरी अलग हो गया है। ठीक है, एक चीज और, यहां पर ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहां पर आ गए जापान और इटली। एक थोड़ा सी चीज और ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर वन में इटली जो है वो अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ा था, वो जर्मनी की साइड नहीं था, जबकि वर्ल्ड वॉर टू में इटली ने जर्मनी के साथ में ट्रिपार्टाइट पैक्ट किया, यानी संधि कर ली, और वो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से लड़ रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर वन में पूरी दुनिया इन लीडर्स के अंडर, ये लीडर लीडिंग कंट्री है, इनके अंडर में दो भाग में डिवाइड हो गई, एक को बोलते हैं अलाइड पावर्स, एक को बोलते हैं सेंट्रल पावर्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलाइड पावर की जो कंट्री है उनके नाम बताइए, तो ये दोनों में यही रहेंगी, और क्वेश्चन पूछा सेंट्रल पावर्स जो कंट्री है उनके नाम बताइए, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। बट वर्ल्ड वॉर टू एक्सिस पावर्स के नाम बताइए, तो देखिए अलग है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, इटली, दीज आर कॉल्ड एक्सिस पावर्स, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। और वर्ल्ड वॉर वन का टाइमिंग क्या है, 1914 टू 1918, और वर्ल्ड वॉर टू का टाइमिंग क्या है, 1939 टू 1945। तो ये जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच की कहानी है ना, वो हमारे इस चैप्टर में दी हुई है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ जर्मनी में, जिसने वर्ल्ड वॉर टू को अंजाम दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जर्मनी में नाजी पार्टी आने से और जर्मनी में हिटलर एज ए चांसलर बन जाने से, जर्मनी ने ऐसा क्या किया कि दोबारा से उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को अपने मानने से इनकार कर दिया, और हिटलर ने अपनी कंट्री को दोबारा से इतना पावरफुल मिलिट्राइज कर लिया उसने अपनी कंट्री को दोबारा से, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, पूरे यूरोपियन कंट्री को उन्होंने जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया, दोबारा से अपनी टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ फिर ये 1918 के बाद से 1939 के बीच का जो टाइम है उसमें जर्मनी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सरकारें बदली, क्या क्या रिफॉर्मेशन, क्या क्या प्रोपेगेंडेज हिटलर ने और नाजी पार्टी ने जर्मनी में इंप्लीमेंट किए, क्या नए कानून बनाए गए, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये चीज आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, सी यू।